पहुंच चुके हैं चाय के बगान। टिकट घर इधर है, टिकट मूल 20 रुपए। ये देखिए क्या खूबसूरत लिखा, चाय बगान चंपावत। बहुत प्यारी लोकेशन लग रही है ये देखिए सामने से। तो यहाँ पे एक सुंदर सा कैफे भी है ये देखिए ऊपर। दोस्तों करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत, और हम हैं अभी चंपावत में महादेव के साथ, और अभी हम जा रहे हैं चाय के बगानों में। तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ, अब देखते हैं रास्ता, पूछ पूछ कर जा रहे हैं। पहले मैं चला गया मंदिर वो घटोत्कच के मंदिर, वहाँ से रास्ता आ रहा चाय के बगानों के लिए। तो अभी पूछूंगा आगे जाके, और बैटरी भी मेरी जाने वाली है तो इसको फिर वहीं पर ऑन करेंगे अपने जो कैमरे को, ख़त्म होने वाली बैटरी। दोस्तों जगह आप देख सकते हो कैसी है, सिंगल रोड है और कोई रहता नहीं है, आता पता नहीं। और मैं चला जा रहा हूँ चाय के बगानों में, पूछते हैं अब आगे जाके। चाय के बगान पहुँच चुके हैं, चाय के बगान, टिकट घर इधर है। टिकट लेते हैं और गाड़ी को पार्क करते हैं। आगे लगाते हैं। टिकट मूल 20 रुपए। तो ये चाय के बगान में हम एंट्री हो चुकी है हमारी। ये देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो। दोस्तों आ चुके हैं चाय के बागान में, और ये देख सकते हो चाय के पत्ती, ये देखिए जो आपको असम में मिलती है ना वो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। और यहाँ पे फोटो वगैरह खींच रहे हैं लोहागढ़ से आए हैं कुछ बच्चे, तो वहाँ फोटो खींच रहे हैं। अभी हम निकलते हैं अपना हेलमेट उठा के, और ये देखिए क्या खूबसूरत लिख रहा है चाय बागान चंपावत। तो इसका 20 रुपये टिकट है, 20 रुपये टिकट है, तो आप 20 रुपये में यहाँ पर आ सकते हो। और ये देखिए सुंदर सुंदर चाय की पत्तियों के बीच में से हम निकलते हुए, अभी इंस्टा 360 से शॉट लेते हैं दो चार। तो पहुंच चुका है आपका भाई चाय के बगानों में चंपावत में, और ये देखिए क्या लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन लग रही है ये देखिए सामने से, है नहीं मज़ा आ जाएगा आपको। ऊपर चलते हैं और चाय की खुशबू आ रही है अभी ऊपर चढ़ने का, और ऊपर से पूरे नज़ारे लोहा चंपावत के पूरे आपको दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक मचान बना रखी है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी है, और यहाँ से पूरा आप व्यू का एंजॉय कर सकते हो चाय के बगानों का। ये देखिए है नहीं खूबसूरत, इधर भी ये देखिए चाय के बगान, और उधर से भी दिखाई देगा। तो ये लोकेशन पड़ेगी चंपावत में।
तो दोस्तों निकलते हैं फिर यहाँ से। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके चाय के बागानों में, और मेरी टोपी से ना चक्कर के आगे देखिए, ये देखिए और टोपी से थोड़ा ऐसा रहता कि अंधेरा अंधेरा ऐसा आ रहा था। और आनंद ले रहे हैं चाय की खुशबू का, बढ़िया खुशबू आ रही है चाय की पत्तियों की, ये देखिए। और ऊपर भी गए थे, ऊपर से फिर नीचे धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, अगर आप चंपावत आ रहे हो तो यहाँ चाय के बागान में आ सकते हो। 20 रुपये टिकट है और कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छा रास्ता है। और ये देखिए, इन्जॉय लीजिए चाय की खुशबुओं का। निकलते हैं फिर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग, और ब्लॉग अच्छा लगो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को लेना सब्सक्राइब, कमेंट करके बता देना आप ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके चाय का बागान, आसाम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। ये देखिए, तो यहाँ पे एक सुंदर सा कैफे भी है, ये देखिए ऊपर। तो बहुत अच्छी सुंदर प्रॉपर्टी थी भाई साहब, मज़ा आ गया। देखिए ये देखिए पीछे, बहुत अच्छी कारीगर थी, और ऊपर बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सुंदर जो कैफ़े है ना, बहुत सुंदर था ये गोल्डन लीफ कैफ़े। अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, और मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है इसकी गोप्रो की, तो यहाँ से निकलते हैं फिर, चलते हैं सीधे। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए हर हर महादेव। चंपावत